आज ऐश और आदित्य निकल रहे हैं यहाँ 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 चीक्स पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, बीच बीच में थोड़ा फोरहेड पे भी ड्राइनेस फील हो रही है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। और मुझे थोड़ा ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दिस इज डूइंग वेल। सो गाइस, इधर सारे उठ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, आराम से उठी हूँ। और सुबह उठते ही मैं घुस चुकी हूँ किचन में, क्या पीने, बादाम खसखस का दूध पीने। बन गया अम्मा दूध पी पी के, मैं भी देख कैसी होगी, कैसी होगी। ये दूध पी पी के कैसी होगी, ये मम्मा के कहने का ये मतलब है कि देखो मैं मोटी हूँ। अब मैं मम्मी को इतनी बार बोल चुकी हूँ, अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट मत सोचा करो, आप बिल्कुल बढ़िया दिखते हो, परफेक्ट दिखते हो। गाइस एक बार कमेंट कर दो, आंटी यू लुक सो गुड। आज ऐश और आदित्य निकल रहे हैं सुबह सुबह, और इधर माता जी और गाइस मैं ना बड़ी देर से नोटिस कर रहा था कि मुक्ति ने जो कच्छा पहना है, कच्छा मतलब जो मुक्ति निक्कर पहनी है, वो कुछ सिमिलर है, मैंने कहीं देखा हुआ है। पर मैंने सोचा यार मुक्ति के पास नहीं है, मेरा भी नहीं था कि मुक्ति ने कभी मांगा हो। फिर मुझे रियलाइज हुआ पापा की निक्कर पहन के घूम रही है, ये इतनी मोटी हो गई है पापा की निक्कर पहन के घूम रही है। वो इसको ना इलास्टिक जो अगर टाइट हो इलास्टिक तो पेट पे थोड़ा सा वियर लगता है ना, तो ये मैडम ने पापा के कच्चे उधारी लिए हैं, चुराए उधारी लिए हैं, चुराई लिए भाई, उधारी भी नहीं लिए, पूछा भी नहीं। और उसके अलावा एक दिन तो मैंने, क्योंकि गर्मियों के कपड़े मैंने वो निकाले जो थोड़े लूज हो, ठीक है, और मैं इधर वही कपड़े लेके आई भाई साहब, यहाँ तो फंस गए। फिर मैंने ऐश से उधारी मांगी, ऐश प्लीज अपने थोड़े कुछ लूज वाले कपड़े। अरे जो ऐश और मैंने बाली से कपड़े लिए थे ना, वो बीची वाई वाले, वो काफी कंफर्टेबल थे, लूज से श्रग टाइप के, वो जाके इसके काम आए। मैडम शॉपिंग का टाइम हो चुका है तुम्हारे। नहीं, शॉपिंग करके भी ऐसा लगता है कि फिट टाइट हो जाएंगे, तो मतलब अच्छा हाँ है ना, सही बात है, जैसे बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं कि दोबारा से टाइट ही होने क्या फायदा। बाय आदी, बाय बाय ऐश, जा रहे हो आप यही हो। सो गाइस, नहाने धोने से पहले मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मौसम बदल रहा है, स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो रही है, मतलब मुझे, मेरे को पर्सनली ड्राइनेस यहाँ 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 चीक्स पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, बीच बीच में थोड़ा फोरहेड पे भी ड्राइनेस फील हो रही है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। और आयुर्वेदा में इतने अच्छे अच्छे फेस पैक्स है, पापा बताते कि इन चार चीजों को मिक्स करके ग्राइंड करके अपने फेस पे लगा लो, बट सच्ची बताऊं आयुर्वेदा में मतलब बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छी चीजें होती है, बट कुछ चीजें आपको अपने घर पे नहीं मिलती है, और लड़कियों को चाहिए होता है कुछ इजी क्विक क्विक चीजें, और अगर बनी बनाई मार्केट में मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। बट मार्केट में जितनी भी चीजें मिलती है इट्स नॉट एट ऑल 100% प्योर, तो मेरे को बहुत कम ट्रस्ट होता है बाहर मार्केट में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो मेरे को नुस्खा बताया ये मेरी माता जी करती है, क्योंकि मम्मा की बहुत एक्सट्रीमली वाली ड्राई स्किन है, तो अगर आपकी बहुत इतनी ड्राई स्किन है ना, अगर आपके ऐसे पैचेस पड़ते हैं, इतनी ड्राइनेस है, तो आप ये यूज करके देखना बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें आपको लेना है ग्लिसरीन, तो ये आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगी, ये ग्लिसरीन इतनी छोटी वाली डिब्बी है, ये 40 रुपए की आपको पड़ेगी। तो हम यहाँ लेंगे ग्लिसरीन जितना आपको लगाना है, मेरे को सिर्फ फेस पे लगाना है, हाथ पैरों पे नहीं लगाना है, ठीक है। आधा चम्मच लिया मैंने, और आधा एक चम्मच लेंगे हम शहद का, और अब हम इसके अंदर डालेंगे कोई भी जो आपका फेवरेट फेस ऑयल है, तो आप चाहो तो इसके अंदर बादाम रोगन भी डाल सकते हो कुछ ड्रॉप्स, आप चाहो तो इसके अंदर, जैसे मैं तो इसके अंदर मुख कांति ऑयल डाल रही हूँ जो कि मैं अपने फेस पे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, और इसके अलावा आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी, 2 कैप्सूल आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो जो भी आपका फेवरेट ऑयल है जो आपको लगता है कि आपको सूट करता है, तो मैं इसके डालूंगी 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, 2, 3, 4, 5 डाल, और बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पे बढ़िया तरीके से लगा लेना है। और इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, मतलब ये पैक तो नहीं है जो कि आपके फेस पे ड्राई होगा, तो कम से कम आप इसको 15 मिनट 20 मिनट रख सकते हो। और सच्ची बताऊं ग्लिसरीन फेस पे लगानी मुझे बहुत गंदी लगती है, बट ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव चीज है, तो मतलब हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अगर आप एक बार ये चीज कर लो तो आपकी ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत अजीब सी फील आती है इसको लगा के, गरम गरम सा फील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि आपको गर्मी लग रही है। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया उसको मैं लगाने वाली हूँ अपने पैरों पे, वाई टू वेस्ट इट। तो पैरों पे मैंने लगा
लगा लिया हुआ और मेरे पैर इतने ज्यादा ड्राई, मैं अपने पैरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। बट आई थिंक इस चीज को आपको एटलीस्ट जब मौसम चेंज हो रहा है तब कर लेना चाहिए, और 15 दिन में एक बार कर लेना चाहिए अगर आपके हाथ पैर और फेस बहुत ड्राई है। A few minutes later. तो गाइस 20 मिनट के बाद मैं नहा ली हुई अच्छे से, एंड इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये भी फील होगा अगर आपकी बहुत ड्राइनेस है कि आपकी ऐसे ऐसे करके पत्तियां निकलना बोल लो, तो आपका फेस जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड एक बार ट्राई करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपके ऊपर कितना काम किया। मैं ये चीज नोटिस कर रही थी अभी वीडियो बनाते बनाते कि मेरे काफी ज्यादा कट लग गया, मैंने भी रिसेंटली आईब्रोज करवाई थी जिसकी वजह से ये दाग मुझे अगले दिन दिखाई दिए हैं। बट नेवर माइंड, अपना भी हील हो जाएगा, कुछ ऐसे दर्द भी नहीं है वैसे तो। और यहाँ पे आज मेन्यू है थोड़ा डिफरेंट। आज क्या बनाया मम्मा? सिंघाड़े की रोटी है ना, आलू पनीर की सब्जी, सिंघाड़े की रोटी। ऐसे इसका दिखने में थोड़ा रंग नॉर्मल रोटी टाइप सी है, पर बनानी इजी है वैसे ये सिंघाड़े वाली। उससे इजी है, कुट्टू से। अच्छा, तो नहा धो के तैयार होके खाना खा के मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी फैक्ट्री, थोड़ा सा काम वाम देखूंगी। बट कल मेरे लगा था इंजेक्शन, जो कि हमने व्लॉग में नहीं दिखाया था जब हम फूडी वी की वीडियो शूट कर रहे थे, उस टाइम पे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। हम डॉक्टर के गए थे तो डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब फूडी वी की वीडियो भी बड़ी औखी खत्म की है, और आज मेरे को उसका ज्यादा असर हो रहा है। मतलब इतनी नींद आ रही है, इतना टायर्ड फील हो रहा है। इनफैक्ट ये वाला इंजेक्शन लगवाने का मुझे कई बार फीवर भी हो जाता है, बट थैंक गॉड फीवर नहीं हुआ है। आलस आ रहा है इतना ज्यादा, मैं कपड़े पहन के सो ही गई हूँ। A few hours later. So guys, पूरा दिन मैंने आज लेटे लेटे निकाल दिया, और मैं फिर से दिखाना चाहूंगी आपको टैडी गौतम को। ध्यान से देखिए इस इंसान को। टैडी ले, ओए इधर देख, स्कूबी आएगा, स्कूबी चलो। मम्मी मेरी तो सुनता नहीं, इसको स्कूबी का लालच दे ना एक बार। टैडी आ जाओ स्कूबी। चलो मम्मी बुला रहे हैं। टैडी बैठने की जगह कोई है क्या? गरीब बन के बैठ जाता है वॉशरूम में। चलो चलो निकलो, चलो गुड बॉय। क्या कहाँ बैठता है ये, इसको क्या हो गया, वॉशरूम में जाके बैठ जाता है। और अभी मम्मा और मैं जा रहे हैं मार्केट में फ्रूट्स वगैरह लेने, और मेरे ख्याल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं सीढ़ियों से आज जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अब डॉक्टर ने बोला है कि आप वर्कआउट वगैरह कर सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना जो वर्कआउट रूटीन है उसको धीरे धीरे करना शुरू करूंगी। भाई साहब लोकार्ट खाने का इतना मन था ना, पर लोकार्ट की हालत इतनी खस्ता हो रखी है ना। ये देखो लोकार्ट। मम्मा रहने दे, फिर लोकार्ट रहने दे, आगे देखते हैं ना। A few moments later. तो शॉपिंग करके हम पहुंच चुके हैं घर, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह करनी मैंने शुरू किया है। मेरे लिए बहुत वियर्ड हो रहा है क्योंकि इट्स बीन लाइक 5 to 6 months कि मैंने कोई वर्कआउट, कोई जिम, कुछ भी नहीं किया है, और जिसकी वजह से मुझे, बिकॉज लाइक एज यू नो कि मैं अस्थमेटिक हूँ, जिसकी वजह से मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम जो है अभी मौसम बदल रहा है उसकी वजह से भी हो रही है, और मुझे थोड़ा ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो और मेरे को 6-7 महीने, मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं कि मैंने वर्कआउट भी बिल्कुल नहीं किया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपनी लंग कैपेसिटी पे थोड़ा काम करना चाहिए है, योगा मुझे शुरू करने की जरूरत है, और साथ ही साथ थोड़ा सा कार्डियो और वर्कआउट। तो अभी मैं और मम्मा आए हैं टेडी को पॉटी सुसु कराने। टेडू होगी पॉटी, पॉटी होगी, ये लो टेडू स्कूबी टाइम। तो अभी मैं, मम्मी पापा आए थे वॉक करने के लिए, और इधर माता जी बैठ चुके हैं झूले के ऊपर। मम्मी वॉक कर लो, आ जाओ। मुझे झूला बहुत पसंद है। झूला तो मुझे भी बहुत पसंद है, बट मेरे को लगता है आपको ज्यादा ही पसंद है। आ जाओ वॉक कर लेते हैं। A few moments later. So guys, situation कुछ इस type की है कि मैंने ये जो night suit पहना है इसका size है medium, जो कि usually मेरे size बड़ा है, परंतु इसके साथ का जो पजामा है मेरी बिल्कुल भी fit नहीं आ रहा है, तो मैंने अभी तक पापा की निकर ही पहनी हुई है। तो ऐसा मैं सच्ची तो मेरे को XL size आ रहा है इस time पे, जो कि मेरे मम्मा का size है। So guys, walk वॉक करने के बाद अब बारी आ चुकी है सोरे की, और इधर माता जी का चल रहा है ब्यूटी रूटीन। आए मम्मा, बहुत अच्छा ऑयल है, देख मेरे ना पूरा रंग भी साफ हुआ है, और यहाँ पे ना मेरे ब्लैक ब्लैक हो गया था, बिल्कुल साफ हो गया। ये देखो, वैसे ना लड़कियों का मुंह जितना मर्जी क्लीन हो, पर लड़कियों को अपने फेस पे कोई ना कोई कमी दिखी जाती है, बट नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक फर्क पड़ा है। और मेरी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने यूज करना शुरू किया मेरी स्किन काफी ब्राइटन अप हो गई है। तो आप भी एक बार ट्राई करके जरूर बताना कि आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस पे। एंड गाइस, अब बारी आ चुकी है सोने की, अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।